नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित माह दिसंबर 2017 का करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एमपी करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य, आजकल मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उक्त वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं एमपीपीएससी, समदाशाला परीक्षा आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा कब से कब तक होगी? इसका आंसर है 19 दिसंबर से 22 जनवरी तक एकात्म यात्रा चलेगी। इसके बारे में फैक्ट, यह यात्रा उज्जैन, ओमकारेश्वर, पचमठर, रीवा, अमरकंटक से एक साथ प्रारंभ होगी। यह यात्रा यादि गुरु शंकराचार्य जी के कार्यदर्शन भारत की सांस्कृतिक कार्यों के महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस यात्रा के द्वारा इनके गुणों का प्रकाश डाला जाएगा। यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं नशा मुक्ति के प्रति जन जागरण के कार्यक्रम प्रमुखता से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के तीरंदाज खिलाड़ी हैं? दिए ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन से मध्य प्रदेश के तीरंदाज खिलाड़ी हैं। तो अनुराधा अहिरवार, प्रांजल अग्रवाल, बिताशा ठाकुर, ये सभी मध्य प्रदेश के तीरंदाज खिलाड़ी हैं। आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इसके अलावा भी अमीर राय, अनुष्का श्रीवास्तव, मुस्कान करार, शबका जैदी, अमित राय भी तीरंदाज खिलाड़ी हैं। और फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राय नेशनल चैंपियनशिप की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहां संचालित है? रानीताल खेल परिसर जबलपुर। ये सारे जो पिछले खिलाड़ी थे वो इसी अकादमी में अध्ययनरत हैं। श्री एस एस बाटवे प्रसिद्ध पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह अलग क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं हम अगले। पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले इकराम समले मध्य प्रदेश के कहां के निवासी थे? तो यह है नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के निवासी थे। मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान कब से कब तक चलेगा? यह 18 दिसंबर से 27 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश में कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा बाल विकास की संयुक्त टीमें घर घर जाकर बच्चों को ढूंढकर पास के विकासखंड या जिला स्तर पर निःशुल्क उपचार करा रही हैं। अभी तक 2,46,741 बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है इस अभियान के अंतर्गत। कुपोषण मुक्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर है 30 दिसंबर 2017 को। यह योजना शहरी जनजाति के परिवारों के लिए है। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र द्वारा ग्राम नीवरी जिला दतिया से इसका प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से पोषण के लिए प्रति माह 1,000 रुपए की राशि परिवार की महिला के सदस्य को खाते में दी जाएगी। दोस्तों यह इंपोर्टेंट है, दिए इस प्रश्न में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ये नहीं सोचें कि कुपोषण मुक्ति योजना का प्रारंभ कब से हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की उपज की जानकारी प्रतिदिन अब कहां से मिलेगी? तो यह आकाशवाणी केंद्रों से मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि बोर्ड द्वारा किसानों को जिले की मंडियों की यह व्यवस्था 1 जनवरी 2018 से लागू कर दी गई है। दोस्तों अब अभी आपको सोचना है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, यहीं से आपके स्टैटिक जीके बनती है। तो यह आप अपनी खुद अप्रोच बनाएं। उपज के दैनिक आवक और औसत भाव को प्रसारण आकाशवाणी के 14 केंद्रों से शाम 7 बजे से 5 मिनट के लिए किया जाएगा। ध्यान दें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 1 जनवरी 2018 को वंदे मातरम का सामूहिक गायन कहां होगा? तो यह होगा भोपाल में। यह गायन राज्य मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क कहां है? तो यह भोपाल में है।
इसके अलावा 29 दिसंबर को संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सुरेंद्र पटवाजी द्वारा गोहर महल में 6 दिवसीय संस्कृत क्रॉनिकल का शुभारंभ भी किया। यह अलग क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। तो गोहर महल कहां पर है, यह अपना भोपाल ही में हो जाएगा, लेकिन यह संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सुरेंद्र पटवाजी ने 6 दिवसीय सांस्कृतिक क्रॉनिकल का शुभारंभ किया 29 दिसंबर को। माह दिसंबर 2017 में राजस्व प्रकरण निराकरण करने में कौन सा अनुविभागीय राजस्व न्यायालय अग्रणी रहा है, तो यह रहा है जबलपुर। अनुविभागीय राजस्व न्यायालय रायसेन प्रकरण दर्ज करने में अग्रणी रहा है, लेकिन यह निराकरण करने में प्रथम नंबर पर नहीं रहा है। राजस्व वर्ष 2017-18 में 656,373 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें से 294,681 प्रकरण निराकृत हुए। दोस्तों अब परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का डाटा, किसी भी प्रकार का फिगर पूछ लिया जा रहा है, इसलिए आप ध्यान दें। थोड़ा चलते हैं हम, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाय योजना में कुल कितने रुपए की राशि का शासन द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है, तो कुल 25,000 रुपए की राशि का लाभ पहुंचाया जाता है। प्रत्येक युगल को 5,000 रुपए की सामग्री दी जाती है, 17,000 रुपए का नगद राशि का चेक दिया जाता है और 3,000 रुपए की राशि स्मार्टफोन के लिए दी जाती है, तो कुल मिला के 25,000 रुपए हो जाती है। दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन, इसका आंसर एक कमेंट के थ्रू देना है मुझे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाय योजना कब से प्रारंभ की गई थी। चलते हैं हम, प्रसिद्ध करीला धाम कौन से जिले में स्थित है, तो यह जनपद मुंगावली के जिला अशोकनगर में स्थित है। मुख्यमंत्री जी द्वारा करीला धाम के जानकी मंदिर के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की घोषणा की है, इस वजह से यह क्वेश्चन लिया गया है। सबरी माता का मंदिर भी करीला धाम में स्थित है, करीला धाम स्थित है, इसके निर्माण के लिए भी कुछ राशि दी है। दोस्तों करीला धाम में होली के रंग पंचमी पर भव्य दर्शनीय मेला लगता है, दोस्तों यह देखने लायक मेला होता है, यदि आप कभी जा पाओ तो। चलते हैं हम, अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान से कौन सम्मानित किया गया है, तो मूधन पत्रकार, ध्यान दें मूधन, एवं शब्द साधक श्री महेश श्रीवास्तव जी, श्री महेश जी को साल श्रीफल और 2,00,000 रुपए की राशि दी गई, इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दोस्तों अष्टभुजी माता मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह देव तालाब रीवा में स्थित है। दोस्तों मैं अभी हाल ही में जो पटवारी की परीक्षा संपन्न हुई है उसमें एक विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें अभी मंदिर के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि सभी को डरा दिया दोस्तों, इसलिए मैं अब कहीं से भी मंदिर का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा इस परिसर में धर्मशाला निर्माण की घोषणा की, श्री चौहान ने रीवा जिले की विकास यात्रा के दौरान नई गढ़ी में कौशल उन्नयन केंद्र और कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की। दोस्तों अभी हाल ही में नवंबर दिसंबर में यदि मैं मध्य प्रदेश की घोषणाओं या मंत्रियों की या मुख्यमंत्री की घोषणाओं को यदि मैं वीडियो बनाऊं तो 2-4 वीडियो बन जाएंगे, तो मैं उनकी खास खास घोषणा ले रहा हूं, चुनावी साल है, घोषणा हो रही है दोस्तों, और कुछ कुछ पूरी भी हो रही है वैसे। चलते हैं, क्योंकि बहुत ही लोन ले रखा है मुख्यमंत्री जी ने अपने मध्य प्रदेश शासन ने कि कैसे भी सरकार आ जाए। मध्य प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना से कितने निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं, तो यह 2,40,434 घरों को अब तक निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर सौभाग्य योजना कब से प्रारंभ हुई, दोस्तों लोग एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, आप इसको क्वेश्चन देख लेना और मुझे कमेंट भी कर देना जिससे कि मुझे भी आ जाए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा 20वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया, यह 18-31 दिसंबर 2017 का 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार, ये साय हैं दोस्तों, ओलंपिक इनकी उपस्थिति में हुआ और मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए दोस्तों इसमें। ओलंपियन तीरंदाज श्री मंगल सिंह सांपिया भी आए इस आयोजन में। चलते हैं हम, अग्नि कांड से दुकानों कहां जलकर खाक हो गई, तो बैरागढ़ के हेदाराम कॉम्प्लेक्स में, यहां 17 दिसंबर 2017 को भीषण आग से बड़ी संख्या में दुकानें जलकर खाक हो गई दोस्तों। चलते हैं हम,
3 दिवसीय सैप महोत्सव, सैप से सैप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सैप से संबंधित हमारा श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में किया गया। इसका आयोजन 5 जन किया जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये था। 5 से 7 जनवरी 2008 तक किया जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्त बसंत का आयोजन कहाँ किया गया? यह इंदौर में किया गया, मराठी साहित्य अकादमी भोपाल के तत्वाधान में, इंदौर के भाई मंगेशकर सभागार में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई मंगेशकर सभागार कहाँ स्थित है, तो यह इंदौर में हो जाएगा। और आवृत बस का आयोजन 27 से 28 दिसंबर 2017 तक किया गया। यह आपको डेट ध्यान रखनी है। अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का दीक्षांत समारोह कौन सा हुआ समारोह था? तो यह छठवां समारोह था दोस्तों। और अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पे है? रीवा। देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? यह गुड़ तहसील के ग्राम बदवावार जिला रीवा में। दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कभी तहसील भी पूछ ली जाती है और कभी ग्राम भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो बहुत कंफ्यूजन होता है वहां पे, तो मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं यहां पे। इसका उद्घाटन 22 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह जी द्वारा किया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन भी इस उद्घाटन में उपस्थित रहे। यह प्लांट मात्र 2.97 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन होगा इससे। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लांट है दोस्तों यह। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड 2017 का मध्य प्रदेश के किस विभाग को मिला है? तो यह मिला है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह द्वारा दिया गया है यह। राज्य परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2001 में मैनुअली डाटा का डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया था, उसी के एवज में यह दिया गया है। चलते हैं हम। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुकरू कहां पर स्थित है? यह बैतूल जिले में सतपुड़ा की हसीन वादियों में स्थित है। यहां पर 27 दिसंबर 2017 से 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया था पर्यटनों के लिए, लुभाने के लिए कई कार्यक्रम किए गए दोस्तों यहां पे। चलते हैं हम। बिठूर गंगा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? यह 20 से 24 सितंबर 2017 तक किया गया दोस्तों। यह इसमें खास बात है, यह मध्य प्रदेश में नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया। बिठूर की पौराणिक अनुभूति, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यादें तथा नैन भीराम दृश्यों के मध्य घाटों पर बहती माँ गंगा नदी के किनारे किया गया उत्सव में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं स्वराज संस्थान संचालय द्वारा 1857 के मुक्ति संग्राम पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया दोस्तों। यह इसमें खास बात है और इसमें कुछ नहीं है। सीपरी जिले की कौन सी तहसील में 17,41,00,000 की लघु सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया? तो बदरवास की तहसील के ग्राम बड़खोरा में दोस्तों। यह बड़खोरा लघु सिंचाई योजना ही नाम हो जाएगा इसका, तो ध्यान दें। जनसंपर्क मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र द्वारा इसका किया गया है। इससे 500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लाभ मिलेगा दोस्तों, और इसकी राशि जो है 17,41,00,000 रुपए है मात्र। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? तो यह भोपाल में आयोजित की गई, और इसका आयोजन 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2017 तक इसका आयोजन किया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश में अनुभूति कार्यक्रम कब से कब चलाया जाएगा? दोस्तों यह 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। वन संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से इको टूरिज्म विकास द्वारा बोर्ड द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें दोस्तों वन विभाग द्वारा कोई वो किया जाता है कार्यक्रम, अनुभूति कार्यक्रम किया जाता है। इसमें स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया जाता है और वन से संबंधित कई प्रकार की जानकारी दी जाती है और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, और इससे बच्चों को बहुत ही वन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं हम। भूषण स्मृति समारोह कहां आयोजित किया गया? यह टीकमगढ़ में आयोजित किया गया दोस्तों। यह समारोह 26 से 27 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया हुआ। राजगढ़ जिले का पहला मां बेटी मेला कब आयोजित किया गया? यह 20 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आयोजित किया गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहां पर है? तो यह राजगढ़ में स्थित है।
इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, अपने आप बनाना सीखें। आक स्मिता योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? यह आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है दोस्तों। प्याज भंडारण योजना में 50% अनुदान मिलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसी ले लिया है इसे, और इसके तहत करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा था लेकिन वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकादमी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसे बेस्ट सेलिंग क्लब अवार्ड मिला है, और अवार्ड दिए हैं नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा द्वारा वितरित किए गए। हर्षिता तोमर को बेस्ट वुमेन सेलर का अवार्ड मिला है, और राम मिलन को बेस्ट अपकमिंग सेलर का अवार्ड मिला है। यादव को नेक वर्ष 2017 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा मल्टी रेस सेलिंग चैंपियनशिप की लेजर 7.7 ओपन कैटेगरी में कांस्य पदक अर्जित किया था इन्होंने, इस वजह से इन्हें दिया गया है, इन्हें बेस्ट अपकमिंग सेलर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। देखते हैं, इन्होंने यह 4.7 ओपन कैटेगरी में कांस्य पदक भी अर्जित किया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बालरंग समारोह का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1996 को हुआ था दोस्तों। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बालरंग समारोह का आयोजन 19 दिसंबर 2007 से 3 दिवसीय आयोजन हुआ 19-20-21, ध्यान दें इसे। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, और यह अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में सीवर नेटवर्क एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया? तो यह भिंड जिले में किया गया। मुख्यमंत्री जी अभी भिंड में गए थे तो उन्होंने कई प्रकार की घोषणा की दोस्तों, मैं बता दिया है कि ज्यादा घोषणा मैं ले नहीं रहा हूं, नहीं तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, और आप थोड़ा बहुत चैनल मेरा देखते हैं तो वो और नहीं देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एवं केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा 18 सितंबर 2017 को इसका शिलान्यास किया गया दोस्तों। चलते हैं हम, भोपाल हाट में आदि महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 19 दिसंबर 2017 को आदिवासी कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव आदि महोत्सव होता है दोस्तों, इस पे आप कृपया ध्यान दें। उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक कहां किया गया? इसका किया गया 19 से 24 दिसंबर को भारत भवन भोपाल में, 19 से 24 दिसंबर 2017 को भारत भवन में किया गया। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान कब से चलाया गया है? यह 3 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक चलाया गया है, और मध्य प्रदेश के 27 जिलों में टीबी रोकने के लिए चलाया गया था दोस्तों यह। देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की पहली शासकीय बोन टैरो ट्रांसप्लांट यूनिट कहां स्थापित होगी? यह एमबी हॉस्पिटल इंदौर में स्थापित होगी। ट्रांसप्लांट की सुविधा अभी केवल थैलेमिया पीड़ित बच्चों के लिए की जाएगी, फिर बाद में और भी जो रोग होते हैं उनके लिए भी हो जाएगी दोस्तों, ऐसा शासन का कहना है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में लगभग कितने किसानों को निःशुल्क खसरा एवं B1 की नकल मिली? तो 4,32,000 को ऐसा मिला है दोस्तों, जो निःशुल्क अब शासन ने व्यवस्था कर दी है कि हर साल निःशुल्क खसरा एवं B1 की नकल मिलेगी दोस्तों। पटवारियों को ज्यादा काम नहीं रह गया है, अब यह निःशुल्क देना पड़ेगी। इसके बाद एक और घोषणा हुई है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करेंगे उसी दिन आपका नामांतरण हो जाएगा, तो आपको पटवारी के पीछे चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे दोस्तों। देखते हैं हम, बसामन मामा कोवंश वन विहार का भूमि पूजन कहां किया गया? यह रीवा में किया गया दोस्तों, यानी बसामन मामा गोवंश वन विहार कहां बन रहा है? रीवा में बन रहा है। 13 दिसंबर 2017 को उद्योग मंत्री श्री राजन शुल्क एवं मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संबंधन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर गिरी की उपस्थिति में हुआ यह इसका शिलान्यास। चलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF रिजर्व बटालियन का स्थापित कहां की जाएगी? यह सीहोर जिले के ग्राम जमोनिया में की जाएगी। मैंने बता दिया दोस्तों, अब मैं ग्राम भी नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे मंदिर पूछे गए हैं पटवारी में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ग्राम पूछे गए। अब छोटे मोटे मंदिर होते हैं तो उसका क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब जाता है, लेकिन अब क्या करें। इसके लिए सरकार ने 39.886 हेक्टेयर भूमि आवंटन कर दी है। इससे मैं समझ गया कि अब यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अब मध्य प्रदेश में बन जाएगा। तो चलते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला कहां आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया, 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया गया। यह 7 दिवसीय मेला था। यह वन विभाग और राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वासन में
राज लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष हैं मैं श्री महेश कोरी जी। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं कि राज लघु वनोपज संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बता दें या अपने आप में सोच लें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की स्वीकृति कब प्रदान की, यह 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों इसकी राशि थी 7,546 करोड़ रुपए की लागत से। देखो ध्यान दो दोस्तों, इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नर्मदा परिक्रम पथ के 16 जिलों में 1100 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 92 यात्री निवास पर 41 करोड़ 40 लाख रुपए की भी घोषणा की है। माने वहां पे यात्री प्रतीक्षालय टाइप के बनाए जाएंगे, ये अलग क्वेश्चन हो जाता है अपना कि यह 16 जिलों में 1100 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बनाए जाएंगे 92 यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे नर्मदा परिक्रमा पर। उद्वहन माइक्रो सिंचाई को 312 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है दोस्तों इसी दिन। अब जो उद्वहन माइक्रो सिंचाई किस जिले में है, क्या है, यह मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैं लिखना भूल गया और मुझे पता भी नहीं है, आप पता कर लेना, नहीं मैं खुद दे दूंगा इसका आंसर कमेंट के थ्रू। चलता हूं मैं। खनन क्षेत्र में स्वच्छ भारत पखवाड़ा कब मनाया गया, तो यह 16 से 31 दिसंबर 2017 को मनाया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम भोपाल ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2017 का तक इसका आयोजन किया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राजमाता विजया राजे सिंधिया महिला गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता, यह महापौर ट्रॉफी विजय है एक टाइप की, यह भोपाल में आयोजित हुई। इंडियन रेलवे महिला हॉकी टीम ने यह टूर्नामेंट जीता। इसका आयोजन 2 से 10 दिसंबर तक मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में किया गया था। विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए राशि मिली, उप विजेता को 1 लाख रुपए राशि मिली। दोस्तों जिस दिन इसका समापन था उस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी पहुंच गए थे, तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए जो टीम प्रथम 4 स्थान पर रही थी उन्होंने दिए दोस्तों, और 25,000 रुपए उन्होंने खिलाड़ियों को भी दिए दोस्तों, जो जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था दोस्तों। तो चलते हैं हम। निजी विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन से फीस प्रतिपूर्ति कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह है मध्य प्रदेश राज्य। भाई अपना राज्य मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे जी हैं और इसके अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यह पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। पहले यह नगरीय एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव के स्थान पर बनाने का निर्णय लिया है शासन ने, इसमें ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं कर दिया। कृषि व्यापार सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो यह 9 से 10 दिसंबर 2017 को 2 दिवसीय किया गया सम्मेलन भदभदा रोड बरखेड़ी किला स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ। दोस्तों तो यह बरखेड़ी किला स्थित राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान यह हो जाएगा अपना कहां पे है, यह भोपाल में हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में लिख देता है कि भदभदा रोड बरखेड़ी किला ऐसा लिख देगा भोपाल देगा ही नहीं दोस्तों, है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन अगर स्टैटिक जीके में बनाएगा तो यही बनाएगा कि राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो भदभदा रोड बरखेड़ी किला कर देगा, भोपाल देगा नहीं, आप गलत कराओगे। वर्ष 2015 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर लहरी सिंह सीधी के थे उन्हें दिया गया है, और निबंध विधा में दिया जाता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में शासन ने 12 दिसंबर को वर्ष 2015 और 16 के रचनाकारों के अलंकार पुरस्कार की इसका एक अलग वीडियो बनाया गया है एमसीक्यू रूप में, वो दिया गया है जो आपके आगामी सारे के सारे एक वर्ष के लिए दो वर्ष के लिए, अब तो शासन अभी बाद में ही करेगी, 1.5-2 साल में ही करेगी, 2017-18 का जब 2 साल का 15 और 16 का भी दिया है तो वो काम में देंगे। मैं पूरा वीडियो बना लिया है उसका, मैं अपलोड कर दूंगा आजकल में। तो हम चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ आयोजित हुआ, तो यह शाजापुर में हुआ। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा 8 दिसंबर 2017 को इसका आयोजन हुआ। सघन मिशन इंद्रधनुष के प्रथम द्वितीय चरण में 101% के साथ कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा, देश में दूसरे स्थान पर रहा, तो इंदौर जिला रहा दोस्तों, ध्यान दें भारत देश में। सघन मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुआ था। तृतीय चरण हमारा 7 से 18 दिसंबर तक चला और चतुर्थ चरण 7 से 18 जनवरी तक चलेगा। शासन ने मध्य प्रदेश शासन ने इसमें पुरस्कार करने की घोषणा दी थी, राज्य स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी और ग्राम
पंचायत स्तर पर भी, तो इन्हें इंदौर जिला को पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों हम देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में इसके डिस्कस किया था इसे। बस 2017 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सुप्रतिष्ठित गायक पंडित उल्लास कसालकर को। इसकी पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए। इन्हें 22 दिसंबर 2017 को आयोजित तानसेन संगीत समारोह में दिया गया। पंडित उल्लास कलासकर पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, बस राजगुरु पुरस्कार भी दिया जा चुका है इन्हें। यह पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। मध्य प्रदेश में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? तो 257 में है। अभी दिसंबर में इनका कार्यकाल अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन शासन ने इनका चुनाव नहीं किया है और चुनाव नहीं करवाया और 6 महीने तक चुनाव अवधि बढ़ा दी है। यानी 6 महीने बाद चुनाव होंगे और फिर राज्य शासन के हो जाएंगे, तो ये शायद ही हों दोस्तों, तो इन्हें दे दिया है फायदा। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 13 की उपधारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों ध्यान दें मंडी का चुनाव। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे 5 जनवरी से 11 फरवरी 2018। 1 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश 18 कहां से आ गया दोस्तों, 17 ही तो चल अभी खत्म हुआ है, आज आया 18। तो 1 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश शासन ने राज्य बीमारी निधि के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जो कि अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, यह बहुत पहले से चल रही है मध्य प्रदेश राज्य बीमारी योजना। इससे शासन निःशुल्क वो कराती है अपने प्रदेश में भी और अपने प्रदेश के बाहर भी अस्पतालों में इलाज कराती है अच्छी अच्छी गंभीर बीमारियों का। तो पोर्टल लॉन्च कर दिया है कि उस पर आवेदन होगा, उस पर विचार किया जाएगा, आपको ज्यादा कलेक्ट्रेट के या फिर जिला अस्पताल में भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम, 3 दिसंबर 2017 को भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी थी? तो यह 33वीं बरसी थी दोस्तों। बरसी पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी भाग लिया दोस्तों। यह बड़ी दुखद घटना थी, 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। ये ध्यान दें दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में कई भोपाल में कई लोगों की जान चली गई थी इससे। मध्य प्रदेश में ललवा दिवस कब मनाया गया? तो यह 4 दिसंबर 2017 को मनाया गया। एनीमिया तथा खून की कमी से बचाव के उपायों की जानकारी के लिए प्रदेश में ललवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम, मध्य प्रदेश का होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 दिसंबर को मनाया गया और यह 71वां स्थापना दिवस था। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की, मध्य प्रदेश का होमगार्ड स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप 71 रिवर्स कर दें और इसका आंसर मुझे आप बताएं दोस्तों। चलते हैं हम मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन। रियो ओलंपिक की कुश्ती में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी गई? यह दोस्तों इन्हें दी गई है 25,00,000 रुपए। यह ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने कुश्ती में, तो यह दी गई है इसके लिए 8 दिसंबर को राज्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें से विक्रम अवार्ड भी दिए गए और अवार्ड भी दिए गए। उसके लिए मैं लूंगा, यह बड़ा वीडियो हो रहा था इस वजह से नहीं लिया, लेकिन इसका अलग से वीडियो बनाया गया है। यह सम्मान 4 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन में दिया गया, मैं डेट भूल गया था, 4 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिविर में दिया गया। इसके अलावा रियो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 50,00,000 रुपए दिए हैं। अब आप ध्यान कर लेना कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, और रजत पदक को 40,00,000 रुपए, कांस्य पदक को 25,00,000 रुपए की राशि दी। उसके अलावा और भी राशि दी और विक्रम अवार्ड भी दिए गए 4 दिसंबर को। ध्यान दें दोस्तों, हम चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए किलो दलहन दिया जाएगा, दाल वगैरह दी जाएगी? तो वह 10 रुपए किलो प्रति दिया जाएगा। एसटी लोगों के लिए दिया जाएगा, यह केवल एसटीओं को ही लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों यह कर दिया है, यह व्यवस्था कर दी है शासन ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यक्रम दिल से में, रेडियो कार्यक्रम दिल से में 10 दिसंबर को कौन से विषय पर चर्चा की? तो यह युवा स्वरोजगार के विषय पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर निबंध प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए का था, द्वितीय पुरस्कार भी था इसमें, यह छूट गया था क्वेश्चन तो मैं लिया है। यह प्रतियोगिता केवल शिक्षकों के लिए थी, इसका विषय था मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा नवाचार के आयाम। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
लेकिन हमारे क्वेश्चन तो समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों हमने दिसंबर माह का 2017 का यह वीडियो देखा। दोस्तों मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं, वह गलत बोल देता हूं दोस्तों, लेकिन अब मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह दिसंबर 2017 का करंट अफेयर का वीडियो अपन ने देखा दोस्तों। दोस्तों यदि आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो न्यू अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, हमारे द्वारा तुरंत वीडियो अपलोड की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे आपके द्वारा पिछले वीडियो में लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा अगला वीडियो दोस्तों 1 जनवरी से 15 जनवरी 2018 तक हम जल्द ही अपलोड करेंगे दोस्तों। यह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम दोस्तों दो ही वीडियो अपलोड किया करेंगे, एक अभी तो मैंने पटवारी के पेपर की वजह से नहीं कर पाए थे दोस्तों, क्योंकि आप इसमें भूल जाते तो पढ़ देख नहीं पाते ना, कन्फ्यूजन भी होता। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2018 का पहला भाग का वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।